हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6, एंड द चैप्टर नंबर 6 इज नाउन्स। ओके, सो बच्चों डू यू नो व्हाट इज नाउन? चलिए मैं बताती हूँ। नाउन होते हैं बच्चों नेमिंग वर्ड्स। जब हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी एनिमल, ओके, इन चीज़ों को हम कोई नाम दे देते हैं तो वो हो जाते हैं नाउन। ओके, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड कैन बी डिफाइंड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, फीलिंग और अ थिंग। ओके, सो जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं उसको हम कहते हैं नाउन। ओके, जैसे एक है बॉय और गर्ल, तो ये जो बॉय और गर्ल, ये हमने इन्हें स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग किया है ना, बॉय गर्ल ये नाम देकर, तो ये भी क्या है? नाउन, राइट? जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क्स, ये सब क्या है? ये है नाउन। ओके, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सब क्या है? ये भी नाउन है, बिकॉज हमने इन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में नाम देकर डिवाइड किया है। ओके, और ऐसे ही हमने क्या किया है? चीज़ों को, चेयर, टेबल, पेन, बोर्ड, सो ये सब क्या है? ये भी है नाउन। तो नाउन बेसिकली बच्चों क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं उसे कहते हैं नाउन। सो आपको ये याद रखना है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। दिनेश इज रीडिंग अ बुक इन लाइब्रेरी। सो दिनेश क्या है? पर्सन, उसका एक स्पेसिफिक नाम है दिनेश, तो ये हो गया नाउन, बुक। ओके, जो हम पढ़ते हैं उसे हमने क्या नाम दिया है? बुक, सो दिस इज ऑल्सो नाउन। लाइब्रेरी, दिस इज अ प्लेस, ओके, वेयर वी सिट एंड रीड टुगेदर, स्टडी टुगेदर, सो ये भी है लाइब्रेरी, जहाँ पर हम जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, साइलेंस होता है, उस प्लेस को हमने नाम दिया है लाइब्रेरी, सो ये भी है नाउन। नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, नाउन कितने तरीके के होते हैं? चलिए, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं इन नाउन्स की। नाउन कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ पर बच्चों आप सीखेंगे 5 तरह के नाउन। ओके, 5 काइंड्स ऑफ नाउन आर हेयर। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए हम सीखते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन बॉक्स देख लेते हैं। टाइम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन इन इंग्लिश। ओके, सो चलिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? ये एक बहुत जनरल नाम जब हमने किसी चीज़ को, एनिमल को, पर्सन को या प्लेस को दिया हुआ हो, जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, बॉय, गर्ल, टाइगर, लायन, कैट, डॉग, चेयर, टेबल, पेन, बोर्ड, पेपर, बहुत जनरल नाम है, राइट? दुनिया में बहुत सारे पेन्स होंगे लेकिन सबको कहाँ क्या जाएगा? पेन, तो वो होता है उसका कॉमन नेम। अ कॉमन नेम इज अ जेनेरिक और कॉमन नेम फॉर समथिंग दैट कैन रेफर टू मेनी थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस। हॉस्पिटल कितने होंगे पूरी दुनिया में? बहुत सारे, लेकिन उन सब के लिए कॉमन नेम क्या है? हॉस्पिटल। स्कूल्स कितने होंगे? बहुत सारे, लेकिन उन सब के लिए कॉमन नेम क्या है? स्कूल। तो कॉमन नाउन वो होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक कॉमन नेम हम रेफर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि इट इज़ अ बिग ट्री, ये एक बड़ा पेड़ है। अब पेड़ बहुत सारे हैं, ओके, कोई बैनियन ट्री है, कोई गवावा ट्री है, कोई मैंगो ट्री है, लेकिन हमने इनके लिए एक कॉमन नेम क्या रखा हुआ है कि वो ट्री है, सो इट इज़ अ बिग ट्री, ट्री इज़ अ कॉमन नाउन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। अब किसी को कॉमिक बुक पढ़ने का शौक है, किसी को मैगजीन्स पढ़ने का शौक है, किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, राइट? तो तरह तरह की बुक्स हैं, लेकिन इन सब के लिए कॉमन नेम क्या रेफर हुआ हुआ है? बुक। सो बुक इज अ कॉमन नाउन। ओके, तो आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन।
अब हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए एक कॉमन नेम तो डिसाइड कर दिया, जैसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं तो हॉस्पिटल, स्कूल्स बहुत सारे हैं तो उनके लिए कॉमन नेम है स्कूल. अब प्रॉपर नाउन है जब हम उन्हीं स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, पर्सन्स, एनिमल, थिंग्स, इन सब चीज़ों को एक यूनिक नेम दे देते हैं जिससे हम उन्हें अलग अलग पहचान भी सकें. A proper noun is a unique name that refers only to a single person, place or thing. जैसे कि example है, Sharad lives in Mumbai. अब Sharad is a boy. Boy is a common name, लेकिन हमने उसे unique name दे दिया Sharad. तो Sharad यहाँ पर क्या बन गया? Proper noun. Lives in Mumbai. अब there are many cities, right? लेकिन उसमें से एक सिटी कौन सी है, हमने उसे यूनिक नाम दे दिया, वो हो गई मुंबई. सो मुंबई भी क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉपर नाउन. सेकंड देखते हैं, मथुरा इज अ सिटी ऑफ टेंपल्स. अब टेंपल क्या है? टेंपल बहुत सारे मंदिर हैं, हमने उनके लिए एक नाम डिसाइड किया टेंपल. सो टेंपल इज अ कॉमन नाउन, राइट? लेकिन मथुरा इज अ यूनिक सिटी बिकॉज उसी सिटी का नाम है मथुरा. सो मथुरा यहाँ पर हो गया proper noun. Next we have collective noun. A collective noun is a word. वो एक word होता है जो refer किया जाता है किसे? To a group of things, people or animals, etc. जैसे कि बहुत सारे musicians अगर बैठे हों तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? Band of musicians. Okay, हमने उसके लिए एक collective noun का word refer किया, band. ओके, जहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस जगह को क्या कहते हो आप? स्कूल में जहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लास, राइट? तो क्लास क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन. सो जो हम नेम देते हैं किसी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. सो नंबर वन एग्जाम्पल इज द क्लास रूम इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? क्लास रूम में हैं. सो क्लास रूम इज द कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ मदर हैज अ होल वार्डरोब ऑफ सारीज. सो मदर के पास क्या है? होल वार्डरोब ऑफ सारीज. सो वार्डरोब इज द कलेक्टिव नाउन बिकॉज वहां पर क्या है? बहुत सारी चीजें, कौन सी? सारीज इकट्ठी हैं. ओके, सो कलेक्टेड है वहां पर, सो हमने उसके लिए एक नेम रेफर कर दिया वार्डरोब. नेक्स्ट वी हैव मटीरियल नाउन. अ मटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉटन और प्लास्टिक. इस तरह के और भी बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं. तो जब हम किसी मेटल की बात करते हैं, किसी मटीरियल की बात करते हैं जिनसे कोई दूसरी चीज़ बनती हो, उसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन. सो प्लीज़ लुक एट द एग्जाम्पल्स. जेरी प्लास्टर्ड द वॉल विथ सीमेंट. जेरी ने वॉल को प्लास्टर किया किसके साथ? सीमेंट के साथ. सो व्हाट इज सीमेंट हियर? सीमेंट इज द मटेरियल जिससे के वॉल प्लास्टर हुई. सो सीमेंट विल बी मटेरियल नाउन. दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन. सो किससे बनी है ये विंडो? आयरन से. सो आयरन क्या है? यहाँ पर एक मेटल है जिससे विंडो बनी है. सो आयरन इज द मटीरियल नाउन. नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बी सीन, बट इट एग्जिस्ट लाइक आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस. कोई आइडिया हो, कोई कंडीशन हो या किसी की कोई क्वालिटी हो, सो वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. लुक एट द एग्जाम्पल्स. प्लीज स्पीक द ट्रूथ. ओके, सो ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेयर बिकॉज ये क्या है यहाँ पर? प्लीज स्पीक द ट्रूथ. ये एक आइडिया है कि आपको सच बोलना है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज अ क्वालिटी, इज अ जॉय फॉर एवर. सो ये है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कैन नॉट सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट इट एग्जिस्ट लाइक आइडियाज, क्वालिटीज एंड conditions. So we go ahead now. Sometimes it is easy to recognize abstract noun from their spellings. इनकी spellings से इनको recognize करना आसान होता है. Study the table to understand. This is the table and we will study it now. So हमने यहाँ पर abstract noun कैसे बने हैं वो? With the help of suffix. Previous chapters में we have done suffix. सुफिक्स क्या होते हैं? जब हम किसी रूट वर्ड के बाद कोई वर्ड ऐड करते हैं, ओके, और उससे एक नया वर्ड बनता है.
सो हियर आर द लिस्ट ऑफ सफिक्स नेस. अब नेस से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन रहे हैं? काइंडनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस. आई ओ एन, एक्शन, क्रिएशन, रिजेक्शन. वाई टी वाई और आई टी वाई से क्या बन रहे हैं? जेलेसी, सेफ्टी, रियालिटी. शिप, वेन वी आर एडिंग शिप आफ्टर द वर्ड सो वी गेट द न्यू वर्ड लाइक फ्रेंडशिप, हार्डशिप, रिलेशनशिप. हुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, नेबरहुड. आई ओ एन, टी आई ओ एन और एक्शन. सो इनसे वर्ड्स बनते हैं इम्प्रेशन, कलेक्शन, एडमायरेशन. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आई ओ एन. आई ओ एन, टी आई ओ एन और एक्शन, इनसे वर्ड्स बनते हैं इम्प्रेशन, कलेक्शन, एडमायरेशन. I'm starting with ION. ION, TION or action. So, इनसे word बनते हैं impression, collection, admiration and meant. Amazement, achievement, disappointment. TH जब हम add करते हैं word में तो depth, health, truth. Dom, kingdom, wisdom, freedom. और ए एन सी ई और ई एन सी ई जब हम ऐड करते हैं रूट वर्ड में अपेयरेंस, इम्पॉर्टेंस, एग्जिस्टेंस. सो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं उनकी स्पेलिंग्स के थ्रू. ओके, सो आपको प्लीज़ ये टेबल को रीड करना है एंड इफ़ यू कैन सो यू विल लर्न इट. ओके, सो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिकग्नाइज करने में ईजी हो जाएगा. सो नाउ द एक्सरसाइज आर स्टार्टिंग. चलिए, so exercise A is classify the nouns in the correct group. So यहाँ पर हमें proper noun और common noun की grid दी गई है और हमें यहाँ पर इनको classify करना है. okay, so proper noun यहाँ proper noun की list में लिखेंगे and common noun we will write in the list of common noun. so before that we have interpretation box here. A proper noun always begins with a capital letter. So you have to learn it कि एक proper noun हमेशा capital letter से begin होगा because वो एक unique name है, specific name है, right? So जब भी हम किसी का unique name और specific name describe करेंगे तो वो कैसे start होगा? Capital letter से. चलिए, classify the noun in the correct group. So McDonald's. So this is a specific name. So, ये कहां पर आएगा? प्रॉपर नाउन के लिस्ट में. मैक डॉनल्ड्स, राइट. नाउ एंटोनियो, एंटोनियो इज ऑल्सो अ यूनिक नेम ऑफ अ पर्सन. सो ये भी आएगा आपका प्रॉपर नाउन की लिस्ट में. कॉपी बुक, दिस इज अ कॉमन नेम. कॉपी बुक. सीजर्स, so scissors, common noun. Mother is also common. Okay, Ganga, so it is a unique name of a river, so you will write it here, Ganga. Paper, common noun. Toyota, it's a proper noun. Indian, proper noun. Shoes will come in the list of common noun. Teacher, common noun. Sarika, proper noun. Argentina, because ye hai ek specific name of a country. So we will put it in proper nouns category. Car, common noun. Ocean, common noun. Okay, so I hope कि अब आपको ये clear हो गया होगा कि proper noun और common noun की category में हम कौन कौन से words को रखेंगे. Common, जो एक noun में जो common name refer है to many person, many things, many animals. Okay, and proper, जो एक यूनिक नेम दिया गया है उन मेनी पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को, राइट. सो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन. सो वी गो अहेड नाउ
आई एम स्टार्टिंग विद द बी एक्सरसाइज. बच्चों यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द वर्ड बैंक. सो यहाँ पर हमें एक वर्ड बैंक दिया हुआ है और इसमें लिखे हुए हैं वो वर्ड्स जो हम किसी ग्रुप ऑफ एनिमल और या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. ओके सो हमें यहाँ से ढूंढ के करेक्ट कलेक्टिव नाउन यहाँ पर फिल करना है. सो लेट्स डू इट. अ डैश ऑफ वुल्व सर्कल द बफेलो. सो वुल्व्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? अ पैक ऑफ वुल्व्स. ओके द हॉर्सेस डैश ran free on the prairie. So अब ये बहुत सारे horse हैं because horses और ये बहुत सारे wolves हैं. So हमने इनके लिए क्या collective noun रखा? Pack of wolves. So the horses heard. Okay? A dash of lions chased a herd of zebras. So आप देख सकते हो यहाँ पर zebra के लिए भी क्या collective noun use हो रहा है? Herd. लेकिन lion के लिए we will use pride. A pride of lions. Okay. A dash of musicians played on the street. So, कितने musicians ने play किया? बहुत सारे. अब उनके लिए हम एक word यहाँ पर describe करते हैं. A band of musician. Okay. The dolphin swam with a dash of fish. अब fish के लिए हम use करते हैं word school. The sucker dash won the game. Sucker team. My teacher graded a dash of papers. बहुत सारे paper हो तो हम उन्हें कहेंगे stack. Okay? A dash of bees flew out of the bush. Swamp. We saw a dash of birds in the sky. तो bird के लिए हम use करते हैं flock. Flock of birds. There are 52 cards in a deck. So इस तरह से हम collective noun को सही जगह पर place करते हैं. Okay? और आपको ये learn करने हैं बच्चों, जैसे pack of wolves, herds horse, horses herds, pride of lion, band of musician, herd of zebra, school of fish, team. Team किसके लिए? कोई भी soccer team, cricket team. So उसके लिए हम use करते हैं word team. Okay? Stack of papers, swarm of bees, flock of birds और cards के लिए हम use करते हैं deck. Okay? So I prefer कि आप इनको learn करें. So let's go ahead now. Yes, this is C exercise और हमें इसमें circle करना है material noun को each sentence में. So material noun जिससे कोई चीज़ बनी हो. Aunt Rose always add ginger roots to her tea. तो यहाँ पर material क्या है? क्या material add कर रही है वो अपनी tea में? Ginger, अदरक. Okay? So the chef made a soup with shredded chicken. So यहाँ पर chicken एक material है जिससे सूप बन रहा है. द चेयर इज मेड ऑफ प्योर पाइन वुड. वुड इज अ मटेरियल. उससे क्या बना है? चेयर. शी बॉट सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हर वेडिंग. सो गोल्ड इज ऑल्सो अ मटेरियल. सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर. सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, वुड, आयरन, ये सब क्या है? मटेरियल. सो ये जो इनके लिए नेम डिस्क्राइब हुए हैं ये सब है material noun. Okay? So, आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? material noun क्या है? जिससे हम वो metal या वो चीज जिससे हम कोई और चीज बनाते हैं. They make bottles out of glass. So, किससे बनी है bottles? Glass से. He purchased a diamond ring for me. Ring किस चीज की है? Diamond की. So, this is material noun. I hope that this exercise is clear to you. और आपको कुछ list of material noun learn करनी चाहिए ताकि आपको exercise करने में आसानी हो. We go ahead now. Yes, this is D exercise और इसमें हमें abstract noun बनाने हैं in common noun से. ये यहाँ पर जो words दिए हुए हैं ये हैं common noun और हमें इनसे abstract noun बनाने हैं. Abstract noun are formless,
कोई फॉर्म नहीं होती, हम इन्हें देख नहीं सकते. आर फाइव सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट डिटेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम इन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, राइट? दे आर यूजुअली यूज्ड इन द सिंगुलर. वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, चाइल्ड, चाइल्डहुड, बिकॉज इसमें इन्होंने सफिक्स ऐड किया क्या, हुड. सो बन गया चाइल्डहुड. अब चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड का मतलब बचपन. सो बचपन आप देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट. सो चलिए एजेंट, एजेंसी. सो हमने इसमें ऐड किया सी वाई और टी वहां से हमने रिमूव कर दिया. किंग, किंगडम. फ्रेंड, फ्रेंडशिप. ब्रदर, ब्रदरहुड. हीरो, हीरोइज्म. पैट्रियट, पैट्रियटिज्म. कोवर्ड, कावर्ड. कावर्ड, कावर्ड मतलब जो डरपोक हो, कायर हो, उसे कहते हैं कावर्ड. ओके, सो चलिए कावर्डाइज, कायरता. कायर की क्या होगी, कायरता. स्लेव मतलब गुलाम. ओके, उसकी क्या होगी, स्लेवरी, गुलामी. थीफ, थेफ्ट. पिलग्रिम, पिलग्रिमेज. सो इस तरह से हमने इन्हें फिल किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ. सो लेट्स गो अहेड नाउ. So this is your provocation exercise, children. Tenjing is a young shepherd who lives in Khumbu. हमें इसमें क्या करना है, we see on the another slide. Okay, हमें इसमें क्या करना है, from the above paragraph find out the following names, name of a place, a thing, an animal or a person, name of a special place, person or animal, name of group of things and animals, name of something we can't see or touch. हमें यहाँ पर common noun, proper noun, collective noun और abstract noun को ढूंढना है. Tenjing is a young shepherd. So Tenjing एक name है. So ये कौन सा है यहाँ पर, this is Tenjing is a young shepherd. This is proper noun, is a young shepherd. Shepherd क्या होगा यहाँ पर, common, because shepherd तो बहुत सारे होते हैं. Tenjing is a young shepherd who lives in Khumbu. अब Khumbu is a unique name of a place, so ये भी क्या हो गया यहाँ पर, proper noun. He works for Myla Sherpa. अब Myla Sherpa भी कौन है, एक name है यहाँ पर, so proper. Okay, every morning Tenjing goes with a bunch of keys. Bunch of keys. So keys बहुत सारी हो तो उसका क्या बन जाता है, bunch. So ये bunch क्या है यहाँ पर, collective noun. To open the gates of the pen where the sheep are locked. अब sheep क्या है यहाँ पर, animal है, common noun. Then he drives the flock into the mountains, flock of sheep. So ये भी है यहाँ पर collective noun. Okay, this is also collective noun. Of course he is not alone. He has a dog to help him. Dog क्या है बच्चों यहाँ पर, common noun. My work is impossible. Impossible is abstract noun. Without Blackie, Blackie is the name of dog. अभी तक वो dog था तो common noun,
नाउ ही हैज अ नेम, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. टू हेल्प मी ही सेज द डॉग हेल्प्स हिम कंट्रोल द शीप. ही इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल एज ब्लैकी ऑलवेज गार्ड्स हिम एंड द शीप विद ऑनेस्टी. ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, सो इस तरह से आप इस पैराग्राफ में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को ढूंढ सकते हैं. राइट, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.